विधायकों को बचाने की ये भागम भाग रांची से शुरू होकर अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पहुंच गई है। सीएम सोरेन को अपने विधायकों के टूटने का डर इस कदर सता रहा है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। फिलहाल सभी विधायकों को मेफेयर लेक रिजॉर्ट में ठहराया गया है और देर रात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी झारखंड के विधायकों से मिलने पहुंचे थे। विधायकों का एयरलिफ्ट, रांची से रायपुर हुए शिफ्ट। झारखंड में सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। फिलहाल उनकी ये दौड़ छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाकर रुक गई है। मंगलवार को झारखंड की यूपीए सरकार अपने विधायकों को लेकर रायपुर पहुंच गई। पहले रांची से सभी विधायकों को सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनके जरिए रायपुर भेजा गया और फिर वहां से तीन बसों में बैठाकर विधायक रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट पहुंच गए। 81 सदस्य झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के 49 विधायक हैं। सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और आरजेडी के 1 विधायक है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सदन में 26 विधायक हैं। पिछले 1.5 साल में ये तीसरी बार है जब सरकार जाने के डर से झारखंड में यूपीए गठबंधन ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया है। आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है। अरे कलकत्ता नीचे कर भाई, माइक और ना ही कुछ अनहोनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति, अरे यार क्या कर रहे हो, मेरा हाथ कौन दबा रहे भाई, का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं, उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब दे। रिजॉर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती बता रही है कि झारखंड सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित अपने खेमे में रखने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं आप खुद देखिए। वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, ये राजधानी रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट है और इसी रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया है। ये विधायक झारखंड के हैं और इन विधायकों को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हैं उसके बाद विधायकों को झारखंड से शिफ्ट कर राजधानी रायपुर लाया गया है। फिलहाल इस रिसॉर्ट के अंदर जो हैं विधायक मौजूद हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि विधायकों को लेकर बड़ी किलेबंदी की गई है। लगभग 2 ASP, 2 CSP, इसके अलावा 8 थानों से ज़्यादा थानेदार इस विधायकों की किलेबंदी पर तैनात हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति इस रिजॉर्ट के अंदर कदम नहीं रख सकता है। इसी बीच देर रात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी झारखंड के विधायकों से मिलने मेफेयर रिजॉर्ट पहुंच गए। अब सभी विधायक कितने दिन तक यहां रहने वाले हैं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बेहतरीन होटल में उनकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों की सरकारों पर होटल में विधायकों के लिए शराब का इंतजाम किए जाने का आरोप लगा है। उसकी वजह है स्क्रीन पर दिख रही ये गाड़ी।
जिस पर आबकारी विभाग का स्टिकर भी लगा हुआ है। विधायकों के पहुंचने से पहले शराब से भरी ये गाड़ी भी रिजॉर्ट के अंदर जा रही थी कि अचानक मीडिया के कैमरे ने इस गाड़ी को देख लिया। दावा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की एक गाड़ी शराब की पेटियों को लेकर मेफेयर रिजॉर्ट पहुंची है। गाड़ी के जरिए वहां रुके विधायकों के लिए ये महंगी शराब लाई गई है। अभी तक किसी भी विधायक ने दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मीडिया के घेराव के बाद गाड़ी वहां से चली गई। मेफेयर रिसोर्ट के सामने है और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की गाड़ी आ चुकी है और ये देख सकते हैं कि यहां पर जो है विधायकों के लिए शराब की व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए महंगी महंगी विदेशी शराब की व्यवस्था यहां पर की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार और विधायकों को आड़े हाथ लेते हुए इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। विधायकों को बचाने की ये पूरी कवायद सच में सरकार बचाने के लिए है या फिर ये विपक्ष की केंद्र के खिलाफ कोई रणनीति है, ये तो जरूर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है राज्यपाल की उस चिट्ठी का जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द किए जाने की बात लिखी होगी। क्या असली खेला उसके बाद शुरू होगा? रायपुर से शिखर देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।